हेलो फ्रेंड्स, मम्मी की टेस्टी रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे सूजी के दही बल्ले, जिन्हें बनाना बिल्कुल आसान है। 15 मिनट में आपके ये दही बल्ले बनकर तैयार हो जाते हैं, इतने टेस्टी कि मुंह में जाते ही घुल जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ आप सभी से निवेदन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो को अंत तक देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम दही बल्ले सूजी से बना रहे हैं। सूजी से बने हुए दही बल्ले बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं, कोई भी गुठली बनने के चांसेस नहीं होते हैं सूजी के दही बल्लों से। आइए अब अपने सूजी के दही बल्ले बनाते हैं। एक बाउल लीजिए, बाउल में 1 कप पतली वाली सूजी, मैंने यहाँ पर पतली वाली सूजी ली है। अगर आपके पास पतली वाली सूजी नहीं है, आपके पास मोटी सूजी है, तो आप उसे एक बार ग्राइंडिंग जार में चला लीजिए। सूजी अगर पतली होगी, हम जब उसके दही बल्ले बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे, इसलिए पतली वाली सूजी का यूज़ करिएगा। 1 कप मैंने सूजी ली है, 1/2 कप दही, बारीक कटी हुई अदरक। दही बल्लों में अदरक और हरी मिर्च का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया लगता है, ज़रूर डालिएगा। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1/2 टीस्पून जीरा। अब सभी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिला लेंगे। सभी चीज़ें हमारी बिल्कुल अच्छे से मिल गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। मैंने जिस कप से दही ली थी उसी कप से मैं पानी डाल रही हूँ, जिससे आपको मेज़रमेंट का पता चल जाएगा कि कितना पानी यूज़ हुआ है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे। देखिए बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है, मैंने जिस कप से पानी लिया था उसमें से 1/2 कप पानी यूज़ हुआ है। देखिए बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें रखनी है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है। ये देखिए इस तरह का हम बैटर बनाएंगे। बैटर रेडी है, अब इसे रेस्ट पर 15 मिनट के लिए रख देते हैं। इतने बैटर रेडी होता है, आइए अपना सीक्रेट मसाला बनाते हैं दही बल्ले के लिए। दही बल्ला मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 टेबलस्पून जीरा लिया है, 2 टेबलस्पून सौंफ, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 2 टेबलस्पून काला नमक, 1 टेबलस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 5 से 6 लाल मिर्च, 1/2 टेबलस्पून हींग। एक बार आप ये मसाला बनाकर रख लीजिए, महीनों तक ख़राब नहीं होता, किसी भी तरह की चाट में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम इन सभी चीज़ों को रोस्ट करेंगे। इसके लिए एक पैन लीजिए, पैन में सभी मसालों को हम डाल देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें सभी मसालों को रोस्ट करना है एक अच्छी सी खुशबू आने तक। 4 से 5 मिनट लग जाएंगे आपको सभी चीज़ों को रोस्ट करने में। जैसे ही एक बढ़िया सी खुशबू आने लगे और थोड़े से हमारे खड़े मसालों का कलर चेंज हो जाए, इसका मतलब हमारी सभी चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं। 5 से 6 मिनट बाद हमारे मसाले बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, ये देखिए। अब इन्हें बिल्कुल ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद हम इन्हें ग्राइंडिंग जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। अब हमने जो काला नमक बचाया था ना, वो हम इस टाइम ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद हमारा मसाला बनकर बिल्कुल रेडी है। किसी भी तरह के चाट में आप इस मसाले को एंजॉय करिए। 15 मिनट हो गए हैं, आइए अपना बैटर चेक करते हैं। 1/2 टीस्पून नमक, नमक हम ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हम इसमें चटनी डालेंगे आगे, तो चटनियों में भी नमक होता है, इसलिए नमक थोड़ा कम ही डालिए। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब बैटर को हम 1 मिनट के लिए एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला है ना। बेकिंग सोडा डालने के बाद हमें बैटर को बहुत ज़्यादा नहीं चलाना होता, जेंटली इसे मिक्स करना होता है। बस 1 मिनट के लिए एक ही डायरेक्शन में फेंटिए इसे। बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। इस तरह का हमें बैटर बनाना है। बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है, आइए अपने वड़े फ्राई कर लेते हैं। दही बड़े फ्राई करने के लिए ऑयल को मैंने पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा अच्छे से गरम है, हमें बड़े फ्राई करने के लिए मीडियम हॉट ऑयल चाहिए, बहुत ज़्यादा तेल गरम नहीं होना चाहिए। ऑयल गरम है, आइए बड़े फ्राई करते हैं। आपको जिस भी साइज़ के बनाने हैं आप उतना बैटर ले सकते हैं। बिल्कुल आराम आराम से हमें इन्हें टर्न करना है। फ्लेम को हम या लो टू मीडियम रखेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। बीच बीच में इसे चलाते रहिएगा। देखिए कितने बढ़िया हमारे दही बल्ले बने हैं।
आइए इन्हें एक प्लेट पर निकाल लेते हैं। बाकी बचे हुए बड़े भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। देखिए सारे बड़े मैंने फ्राई कर लिए हैं और ये देखिए कितने बढ़िया हमारे बड़े बने हैं। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा वड़ा बना है, एकदम फूला फूला। अब हम इन्हें पानी में सोक करेंगे। वड़ों को सोक करने के लिए मैंने यहाँ पर एक बर्तन में गुनगुना पानी लिया है। आपको वड़े हल्के से गर्म पानी में सोक करने हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हींग। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है नमक और हींग के पानी का हमारे वड़ों में। मिला लेते हैं इसे। अब हम वड़ों को सोक करेंगे। मैं आपको यहाँ पर एक टिप देना चाहूँगी, आपको जितने वड़े सर्व करने हैं उतने ही आप पानी में सोक करिए, क्योंकि सूजी के वड़ों को ज़्यादा सोक नहीं करना होता, सिर्फ इसे हम 5 मिनट के लिए सोक करते हैं। इसलिए आपको जितना सर्व करना हो सिर्फ आप उतने ही वड़ों को पानी में सोक करिएगा। बाकी बचे हुए वड़ों को हम किसी भी एयरटाइट कंटेनर में रखकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपको सर्व करना हो 5 मिनट पानी में सोक करिए और सर्व कीजिए। सारे वड़ों को मैंने सोक कर लिया है। अब 5 मिनट बाद हम इन्हें सर्व करेंगे। 5 मिनट बाद वड़ों का साइज़ देखिए, देखिए कितने फूल गए हैं। वड़े का साइज़ देखिए डबल हो गया है। आइए सर्व करते हैं। अब हम अपनी दही में मिलाएंगे पाउडर्ड शुगर, पिसी हुई चीनी। चीनी को ग्राइंडिंग जार में चला लीजिए, आपकी पिसी हुई चीनी रेडी हो जाएगी। 3 टेबलस्पून मैं इसमें पिसी हुई चीनी ऐड कर रही हूँ, 3 टेबलस्पून। 1/2 टीस्पून नमक, 1 विस्कर की हेल्प से अच्छी तरह से इसे फेंट लेंगे। दही हमारी रेडी हो चुकी है, आइए अब सर्व करते हैं। सबसे पहले वड़ों को हम इस तरह से हाथ से स्क्वीज़ करेंगे, इसका एक्स्ट्रा सारा पानी निकाल देंगे। हाथ को मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इसे हम दही में डिप कर देंगे। वड़े हमारे डिप हो गए हैं। अब वड़ों को दही में बिल्कुल अच्छी तरह से कोट कर लेते हैं, इसलिए हम दही को थिक रखते हैं। अगर दही आपकी पतली है तो आप इसे छलनी से छान लीजिए, जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा दही में वो निकल जाएगा और हमारी थिक दही रेडी हो जाएगी। प्लेट में वड़ा रखिए। आप वड़े का साइज़ देख रहे हैं, थोड़ी सी दही हम इसके ऊपर और डाल देते हैं। हम इसके ऊपर डालने वाले हैं अपने दही बल्लों की जान, मीठी चटनी। कोई भी चाट हो मीठी चटनी के बिना तो बिल्कुल ही अधूरी है। अब बारी आती है हरी चटनी की। अब लास्ट में हम इस पर डालेंगे जो हमने अपना मसाला रेडी किया है ना, वो वाला मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, मिर्च डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने अपने मसाले में भी मिर्च डाली थी ना। इसी सेव से गार्निश कर देते हैं, बहुत ही बढ़िया लगती है। और अब हम इसे धनिया पत्ती से सजा देते हैं। लीजिए तैयार है हमारा एकदम सॉफ्ट इंस्टेंट दही बल्ला। 15 मिनट में हमारा दही बल्ला बनकर तैयार हो जाता है। कोई झंझट नहीं, किसी तरह की गांठ बनने का कोई टेंशन नहीं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।